Outreach Ministries presents Yeshu Ki Jai. Welcome to our today's program. आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है. I believe God is going to bless you in a supernatural way. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुत ही अलौकिक रीति से आपको आशीष देगा. Because God has fantastic plans for you and your family. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही अद्भुत योजनाएं हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. In 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है. What does it mean? इसका मतलब क्या है? To be in Christ. कि मसीह में हो. When we believe in Jesus. जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं. When we ask him to come into our lives. जब हम उसे अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं. When we ask him to be the Lord and Savior of our life. जब हम उससे कहते हैं कि वो हमारे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता. Then something happens. तो फिर कुछ न कुछ होता. Some change happens. कुछ बदलाव होते हैं. The Bible says. बाइबल ये कहती है. That God quickens us. कि परमेश्वर हमें जीवित करता है. Spiritually we become alive. हम आत्मिक रीति से जीवित हो जाते हैं. The sin is taken away. पाप जो है वो दूर किया जाता है. Our lives are washed. हमारा जीवन धोया जाता है. We become children of God. हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं. The Bible says in John 1:12. बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में. To all those who believed him and received him, they got the right or the power to become the sons and daughters of God. जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिला है. Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों. When we believe in Jesus. जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं. We have the power and authority to become His child. हमारे पास में सामर्थ्य और अधिकार होता है कि हम उसकी संतान हो जाएं. And when we are His child. और जब हम उसकी संतान होते हैं. We are at a different level in life. तो हम जीवन में एक अलग स्तर पर होते हैं. We are at a different level in our spirit, in this world, and in every sphere of our life. हम इस संसार में, इस आत्मिकता में और संसार की हर एक बातों में हम बिल्कुल अलग स्तर पर होते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. In John 6:47. यूहन्ना 6:47. Jesus says, if you believe in me, you will have eternal life. यीशु ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे. Eternal life means a victorious life without end. और अनंत जीवन का मतलब है कि बिना अंत के विजयी जीवन पाए. No fear of the devil. शैतान का कोई डर नहीं. No fear of death. मृत्यु का कोई डर नहीं. No fear of anything. और किसी चीज का कोई डर नहीं. Why? क्यों? Because we will be having God's very own nature. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा. Through the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा. We get His nature. हम में उसका स्वभाव आता है. We get a new nature. हम में नया स्वभाव आता God है. God blesses us. परमेश्वर हमें आशीष देता है. And we can understand things spiritually. और हम आत्मिक बातों को समझ सकते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. That when Jesus died on the cross. जब यीशु क्रूस पर मरा. In Hebrews 2:14. इब्रानियों 2:14 में. It says that since the children are flesh and blood. और ये कहता है कि जबकि बेटे मांस और लहू के भागी. He also became like us. वो हमारे जैसे ही हो गया. So that through his death he can deliver us who for lifetime are subject to the devil. कि उसने उसके द्वारा हमें छुड़ा सके जो कि जीवन भर के लिए शैतान और इस मृत्यु की विवश उसके 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 अधीनता में थे. ही कैन सेपरेट अस, ही कैन डिलीवर अस हु वेयर फॉर ए लाइफ टाइम स्लेव्स ऑफ द डेविल एंड डेथ. कि वो हमें छुटकारा दे सके, हमें छुड़ा सके जो लोग तो शैतान और मृत्यु के पूरी तरह से अधीनता में थे, गुलामी में थे. That's why Jesus came. और इसीलिए तो यीशु आया. He died not for himself but for us. वो अपने लिए नहीं मरा लेकिन हमारे लिए मरा. That means he is our substitute. इसका मतलब वो हमारे बदले में है. The Bible says. बाइबल कहती है. He died in our place. वो हमारी जगह पर. He took your place and my place. उसने आपकी और मेरी जगह ले ली. He became like you and me. वो तो आपके और मेरे जैसे बना. He was tempted in every way, yet he was without sin. और वो तो हर तरीके से उसकी परीक्षा की गई लेकिन उसमें कोई पाप नहीं मिला. He is our substitute. वो तो हमारे बदले में है. Now what is the meaning of substitute? अब बदले में का मतलब क्या है? It means that when Jesus died. इसका मतलब है कि जब यीशु मरा. In God's eyes. परमेश्वर की दृष्टि में. We died. हम मरे. God's eyes. We were. You know, we were justified. परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहराए. The price was paid. जो दाम है वो चुकाया गया. God's wrath
was appeased. परमेश्वर का जो क्रोध था वो शांत किया गया. It is a substitutionary act of Jesus. और ये तो यीशु का उसके बदले में किया गया काम था. Because God is righteous. क्योंकि परमेश्वर धर्मी है. He cannot see evil. वो बुराई नहीं देख सकता. Habakkuk 1:13 says. Habakkuk 1:13 कहता है. His eyes are so pure that he cannot see evil. उसकी आंखें इतनी शुद्ध है कि वो बुराई को नहीं देख सकता. He is holy God. वो तो पवित्र परमेश्वर. He is a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर. Isaiah 64:6 says. यशायाह 64:6 कहता है. Even all the righteous acts are like filthy rags before God. यहाँ तक कि सारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान. All the good works are like filthy rags. और सारे भले काम जो है वो तो मैले चिथड़ों के समान. And God is angry at the sinners and wicked every day. और परमेश्वर जो है वो तो पापी और हर एक दुष्ट के ऊपर में प्रतिदिन क्रोधित होता है. So how this anger or wrath of God can go away from our life? तो कैसे परमेश्वर का ये क्रोध ये जो है जो हमारे जीवन पर से दूर हो सकता है? The Bible says. Bible कहती है. When Jesus came as our substitute. जब यीशु हमारे बदले में आया. He took our place. उसने हमारी जगह ले ली. He just like us, he faced the hunger and thirst and everything. और बिल्कुल हमारे जैसे उसने हर एक भूख और हर एक प्यास को महसूस किया. And the Bible says. और Bible कहती है. When he died on the cross. जब वो क्रूस पर मरा. What exactly happened? तो उस समय सच में क्या हुआ? Oh, it's a wonderful miracle. ये तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार है. But allow me to explain to you. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. When Jesus died, the Bible says. जब यीशु मरा तो बाइबल कहती है. That the sin of every person was laid on Jesus. कि हर एक मनुष्य का जो पाप था वो तो यीशु पर लाद दिया गया. He did not die for his own sin. वो अपने पापों के लिए नहीं मरा. In fact, he had no sin. और सच में उसमें कोई पाप नहीं. Second Corinthians 5:21 says. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है. That he who knew no sin was made sin for us. कि जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप बनाया. So that we might become the righteousness of God through Christ. कि हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए. Yes, this is exactly what you must understand. आपको इसी बात को समझना होगा. This is what can set you free. और यही बात तो आपको आजाद कर सकती है. This is what can give you a new level of victory in your life. और यही तो आपके जीवन में विजय का नया स्तर दे सकती है. Who was that person for whom Jesus died? ये व्यक्ति कौन था जिसके लिए यीशु मरा? It was you and I. ये तो आप और मैं. It was we all. हम सब लोग थे. It was we all. हम सब लोग. That is God's love, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है. When Adam and Eve sinned. जब आदम और हव्वा ने पाप किया. When Adam and Eve fell from God. और जब आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हो गए, गिर गए. When they were hiding in rebellion. और जब वो बलवे में छिप रहे थे. They were covering themselves. और वो अपने आप को ढाके हुए थे. That is a time. और वही समय है. When God came and he spoke a prophecy. तब परमेश्वर ने आकर एक भविष्यवाणी की. And he prophesied. और उसने ये भविष्यवाणी. When God cursed the earth and the serpent and the man and the woman, this is what he said. जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आदम और हव्वा को जब मनुष्य को उसने श्राप दिया तो उसने यही कहा. It is in Genesis 3:14-16. और यह है उत्पत्ति अध्याय 3:14-16 में. And God cursed the woman and said that you know, I will multiply your sorrow through childbirth. परमेश्वर ने वहाँ पर स्त्री को श्राप दिया और कहा कि मैं तेरी पीड़ा को, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा. This is what God said, that I will put enmity between your seed and her seed. और परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तेरे वंश के बीच में और शैतान के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा. And he will strike your heel, but you will crush his head. और उसने कहा कि जो शैतान है वो तो तेरी एड़ी को डसेगा, लेकिन तेरा जो वंश है उसके सिर को कुचलेगा. My dear friends, right in the midst of the sin and rebellion, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन सारे बलवे के पाप के बीच में, when God was so much annoyed with all that has happened, और जो कुछ भी हुआ उसके कारण परमेश्वर इतना परेशान था, but at that time also he gave. Even in that curse, there is a blessing. और वो तो इतना क्रोधित हो चुका था, लेकिन उस श्राप में भी उसने वहाँ पर उन्हें आशीष. And that is the first promise of the Messiah. और यही तो पहली प्रतिज्ञा है उस मसीहा. That is the picture, first picture of Jesus dying on the cross. और यही तो वो पहला चित्र है कि यीशु वहाँ पर क्रूस पर मरेगा. And that's what the Bible says. और यही तो बाइबल कहती है. In Romans 5:12. रोमियो 5:12. When the first man sinned. जब पहले मनुष्य ने पाप किया. It is like we all sin. ये मानो ऐसा था कि हम सब ने पाप किया. Though we
were physically not present there, हालांकि हम वहां पर उपस्थित नहीं थे, the Bible says, बाइबल कहती है, in Adam all sinned, और आदम में सब ने पाप किया, in Adam we all were in Adam because we have come from the first man, हम पहले मनुष्य आदम के द्वारा आए इसलिए हम सब लोग आदम में थे, so as he has done it we also have done it, और जैसे उसने इसे किया तो हमने भी इसे किया, so the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, sin and death passed upon all men, पाप और जो मृत्यु हुआ तो सभी मनुष्य पर आई, now the Bible also says, बाइबल ये भी कहती है, in Colossians 2:15, कुलुसियों 2:15 में, that he stripped from himself all the trammels of principalities and powers, कि उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया, he made them to parade openly, और उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, he showed his victory and triumph over all the powers of darkness, और सारे अंधकार की सामर्थ पर उसने उन पर विजय हासिल की, when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, Galatians 2:20 describes this in a very wonderful way, गलातियों 2:20 इसे बहुत ही अद्भुत तरीके से बताता है, it says that I am crucified with Christ, और ये कहता है कि मैं उस पर यीशु के साथ चढ़ाया गया। What does it mean? इसका मतलब क्या? It says that when Christ died, even we died. और इसका मतलब यह है कि जब मसीह मरा तो हम भी मर गए। It was actually our death. ये तो सच में हमारी मृत्यु। How? कैसे? Why? क्यों? Because our sin was laid on him. क्योंकि हमारे पाप उस पर लाद दिए गए। Our sins was put on him. हमारे पाप उस पर रख दिए गए। Where we cannot go, he went. जहाँ पर हम नहीं जा सकते थे, वहाँ पर वो गया। And he suffered. और उसने दुख उठाया। He bore every agony and every pain. और उसने हर एक दर्द हर एक पीड़ा को उठा लिया। Until justice was met, जब तक कि वो न्याय पूरा ना किया जाए। The Bible says in 1 Timothy 3:16, बाइबल पहला तिमोथी 3:16 में कहती है, Jesus was justified in the spirit, कि यीशु आत्मा में धर्मी ठहराया गया। He was justified, वो धर्मी ठहराया in the spirit, आत्मा में। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is a wonderful truth, ये तो अद्भुत सच्चाई which you and I need to accept, जो आपको और मुझे स्वीकार करना है, because only when we know the truth can set us free, क्योंकि जब हम सच्चाई को जानते हैं केवल तभी ये सच्चाई हमें आजाद कर सकती है, not only by knowing it from here, केवल इसे सुनने के द्वारा नहीं, you need to know it from inside, बस आपको भीतर you से need जानना to believe it and accept it. आपको इस पर विश्वास करना है, स्वीकार करना है. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, Jesus was delivered for us. यीशु हमारे लिए दे दिया गया. In Romans 4:25, रोमियो 4:25, and then we were justified. और वहाँ पर हम धर्मी ठहराए. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, और बाइबल कहती है, when Jesus died on the cross, what happened? जब यीशु क्रूस पर मरा तो उस समय क्या हुआ? Isaiah 53 says, यशा 53 कहता है, He took every sickness and every disease on Him. उसने हर एक बीमारी, हर एक रोगों को अपने ऊपर ले लिया. Everybody's death on Himself. उसने सभी की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया. Surely He has borne our griefs. निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया. Surely He has carried our sorrows. उसने हमारे दुखों को सह लिया. Everybody's transgression was put on him. हर एक का अपराध उसके ऊपर लाद दिया गया. Everyone's offense was laid on Jesus. हर एक की जो अपराध की जो बातें थी यीशु पर थोप दी गई. It pleased God to bruise him and to crush him for our sakes. ये तो परमेश्वर को भाया कि हमारे लिए वो उसे कुचले, उसे दंडित करे. Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्यारे. It is because of your sin and my sin. ये तो आपके और मेरे पापों के कारण. Jesus has to go through all that. यीशु को इन सारी बातों से होकर जाना पड़ा. But the Bible says. लेकिन बाइबल कहती है. That because Jesus died. क्योंकि यीशु मरा. 1 Timothy 2:5 1 Timothy 2:5 कहता है, There is only one God. केवल एक परमेश्वर है. All the people in the world believe in this first part of this verse that there is only one God. सारे संसार के लोग वचन के इस पहले भाग पर विश्वास करते हैं कि यहाँ केवल एक परमेश्वर. But I want to tell you the second part. लेकिन मैं आपको इसका दूसरा भाग बता दूँ. It says that there is only one God and one mediator for between God and men. ये तो कहता है कि केवल एक ही परमेश्वर और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवई है. Only one mediator between God and man, and who is he? और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवई, एक ही मध्यस्थ, और वो कौन है? And who is he? There's no one else but Jesus Christ. कौन है वो? कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है. It is Jesus Christ, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह. You need to understand. आपको इसे समझना होगा. That when Jesus died, कि जब यीशु मरा, He made a way for you. उसने आपके लिए एक मार्ग बनाया. And He is offering to you the new life. और वो आपको एक नया जीवन दे रहा है. The new life comes when we
give ourselves to God. नया जीवन तो तब आता है जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं. But sadly, many people come only so much. लेकिन दुख की बात तो है बस लोग यहीं तक आते हैं. They just give their life to God. वो अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं. And then they say it is done. और फिर कहते बस हो गया. I am changed. मैं बदल गया. My sin is washed. मेरे पाप धो दिए. Now I am new. अब मैं नया हूँ. But it is not just that much. लेकिन ये केवल इतना ही नहीं. There is much more to that. इसमें और भी बढ़ता है. There is much more than you think. आप जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर. You need to even walk in the new life every day. आपको प्रतिदिन नए जीवन में चलते जाना है. As you understand, you need to walk and grow in the knowledge of God. जैसे आप इसे समझते हैं, आपको समझना है परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना है. Because the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है. That when Jesus rose up from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, he has defeated the devil. उसने शैतान को हरा दिया. Colossians 2:14 says he defeated the principalities and powers of darkness. कुलुसी 2:14 कहता है कि उसने प्रधानता, अधिकार और अंधकार की सामर्थ को उसने हरा दिया. Ephesians 6:12 says that we have a spiritual battle to fight. इफिसियों 6:12 कहता है कि हमें एक आत्मिक युद्ध लड़ना है. The world is ruled by spiritual forces and ideologies. और जो संसार है वो तो आत्मिक सामर्थ और विचारधाराओं के द्वारा राज्य में चलता है. दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय विकेड आइडियाज एंड विकेड स्पिरिट्स हु प्रोजेक्ट विकेड प्लान्स. और ये जो संसार है इसके ऊपर में दुष्ट आत्माएं राज्य करती जो केवल दुष्ट विचारों को बताती जाती है. इफ यू सी इन द लास्ट 100 years, अगर आप पिछले 100 साल को ही देख लें, there are so many changes that are happening so fast. बहुत से जो बदलाव है बड़ी रफ्तार से होते जा रहे हैं. Because what was called sin in the olden times is not called sin anymore. क्योंकि जो पुराने जमाने में जिसे पाप कहा जाता था उसे अभी पाप नहीं कहते. What was called crime in the olden days, today there is a permit or a license for it. पहले जमाने में जिसे अपराध कहा जाता था आज उसी के लिए वो परमिट देते हैं, उसके लिए लाइसेंस देते हैं. The world is becoming more and more liberal towards evil things. और जो संसार है वो तो बुरी बातों के लिए और ज्यादा उदार होते चले जा रहा है. Whatever is sin and wrong, today people don't call it sin. They say, I am that way, that's my nature. और जो भी पाप है, जो कुछ भी गलत है, लोग आज उसे पाप नहीं कहते, वो कहते मैं तो इसी तरह से, मेरा स्वभाव ही ऐसा. But my dear friend, I want to tell you. लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Jesus can change every situation in your life. यीशु आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल सकता है. Not just automatically. केवल अपने आप नहीं. With your consent, with your permission and with your obedience. आपकी सहमति के द्वारा, आपकी अनुमति के द्वारा, आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा. When you know the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, the next thing is you need to grow in the truth. तो आपको अगली बात ये जाननी है कि आपको सच्चाई में बढ़ते जाना है. Because the Bible says in 1 Timothy 2:4, क्योंकि बाइबल पहला तिमोथी 2:4 में ये कहती है, it is the will of God, कि ये परमेश्वर की इच्छा है, for all to be saved, कि हम सब उद्धार पाए, and come to the knowledge of the truth. और हम सच्चाई के ज्ञान में आए. Many people think that only when I know the truth I will be saved. बहुत से लोग ये सोचते हैं जब मैं सच्चाई को जानूंगा केवल तभी मैं उद्धार पाऊंगा. But this verse says after being saved you need to come to the knowledge of the truth. लेकिन ये कहता है कि उद्धार पाने के बाद में आपको सच्चाई के ज्ञान में आना है. There is a truth about prayer. प्रार्थना के बारे में सच्चाई. There is a truth about giving. देने के बारे में सच्चाई. There is a truth about righteous life. धार्मिकता के जीवन के बारे में सच्चाई. There is a truth about holiness. पवित्रता के बारे में सच्चाई. There is a truth about humbleness. नम्रता के बारे में सच्चाई. There is a truth about the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सच्चाई. There is a truth about the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सच्चाई. There is a truth about the fivefold ministry offices. पांच प्रकार की सेवकाई के लिए सच्चाई. But only when we do not grow in these truths, जब हम इन सच्चाई में नहीं बढ़ते हैं, we oppose these truths, तो हम इन सच्चाई का इनकार करते हैं, and therefore causing so much confusion and division all over the world. और इसी के कारण पूरे संसार में बहुत सी गड़बड़ी और विभाजन है. But I want to tell, मैं आपको बताना चाहता हूं, Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, he broke the devil's power and authority. उसने शैतान की सामर्थ्य और अधिकार को तोड़ दिया. He paralyzed all the power of Satan. उसने शैतान की सारी सामर्थ को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया. Ephesians 1:7 says, इफिसियों 1:7 कहता है, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. उसके लहू में हमारे पास में छुटकारा है, पापों की क्षमा है. Colossians 1:13-14 says, कुलुसियों 1:13-14 कहता है, He has delivered us from the powers of darkness. उसने हमें अंधकार की सामर्थ से छुड़ा लिया. And translated us, transferred us into the kingdom of His Son. और उसने हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्त, this is not just verses, it is reality. ये वचन ही नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता. These are not just words, it is truth. ये केवल वचन नहीं, लेकिन ये सच्चाई. These are not just lines in the Bible, it is absolute truth. ये तो केवल बाइबल में कुछ लिखी हुई ऐसी पंक्तियां नहीं, लेकिन ये तो पूरी सच्चाई है, वास्तविकता है. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, that when we know the truth, क्योंकि जब हम सत्य को जानेंगे, we will be free. तो हम आजाद हो जाएंगे. He
is completely Jesus. When Jesus rose from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, the Bible says, Bible कहती है, he rose victorious. वो विजयी होकर जी उठा. Now I would like to ask you one question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. If the devil can he put sickness on Jesus? क्या शैतान यीशु के ऊपर भी बीमारी लाद सकता है? The answer is no. तो उत्तर है नहीं. Can he afflict Jesus with problems? क्या वो यीशु के ऊपर समस्याएं डाल सकता है? The answer is no. तो इसका जवाब है नहीं. Can he put Jesus into any temptation and sin? क्या वो यीशु को किसी परीक्षा में डाल सकता है? Can he make him to sin? क्या वो यीशु को पाप करवाने लगा सकता है? The answer is no. तो इसका जवाब है नहीं. Then I want to tell you. तो मैं आपको ये बता दूं. If he cannot do it to Jesus, then he cannot do it to you. अगर वो ये सब यीशु के साथ में नहीं कर सकता, तो आपके साथ भी नहीं कर सकता. Because now, क्योंकि अभी, we don't live in Adam, we are in Christ. क्योंकि अभी हम आदम में नहीं हैं, हम यीशु मसीह में. We are a new creation. हम नई सृष्टि. The old is gone. पुरानी बातें चली गई. That is what the Bible says. और यही तो बाइबल कहती है. The old is not just gone, but the new is come. अब केवल पुरानी बातें चली ही नहीं गई है, लेकिन नई बात आ गई है. First we had a nature, a sin nature, a old nature. पहले तो हमारे अंदर में पाप का स्वभाव था, बुरा स्वभाव था. It was known as old man or old nature. जिसे पुराना मनुष्यत्व या पुराना स्वभाव के रूप से जाना जाता था. But the moment we believe in Jesus, लेकिन जिस पल हम यीशु पर विश्वास, the moment we come to him, जिस पल हम उसके पास आते हैं, then we are being given a new nature. तो हमें नया स्वभाव दिया जाता है. A victorious nature. विजयी स्वभाव. A spiritual new man. ये तो आत्मिक नया मनुष्यत्व है. And now, और अब, through that new nature, उस नए स्वभाव के, we need to submit to God. परमेश्वर के अधीन होना. We need to look to God. हमें परमेश्वर को देखना. We need to read His word. हमें उसके वचन को पढ़ना. And He will help us to obey and follow God. और वो हमारी मदद करेगा कि हम आज्ञा माने और परमेश्वर के अनुसार काम करें. He will help us to follow and do exactly what God wants. और हमें वो मदद करेगा कि जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है हम बिल्कुल उसी के अनुसार करते जाएं. Your spirit is tuned with the Holy Spirit. जैसे कि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है. As your eyes and ears are aligned with the voice and with the sight of the Holy Spirit. जैसे कि आपकी आंखें आपके कान बिल्कुल परमेश्वर की आवाज और उसकी दृष्टि पर लगी हुई है. You will see wonderful things in your life. आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे. Situations will change. परिस्थितियां बदल जाएगी. Situations will not control you. परिस्थितियां आप पर नियंत्रण नहीं करेगी. Situation will not change you. परिस्थितियां आपको नहीं बदलेगी. You will change the situation. आप परिस्थितियों को बदल देंगे. God will do it, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर इसे करेगा. God will take it to a higher level. परमेश्वर इसे ऊंचे स्थान पर लेकर आएगा. But if you do not grow in this knowledge, लेकिन अगर आप इस ज्ञान में नहीं बढ़ते हैं, if you do not, I repeat, if you do not grow in this knowledge, आपको फिर से बताऊं, अगर आप इस ज्ञान में नहीं बढ़ते हैं, and you are just happy, you say, I go to church, I sing songs, I clap my hands, and I come back very happily. और बस आप ये कहते हैं, मैं चर्च में जाता हूं, ताली बजाता हूं, गाता हूं और खुशी से वापस आता हूं. And you say, oh, they are praying, they are preaching, it is their job and not my job. वो आप बस ये कहते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनका काम है, मेरा काम नहीं. If you are very happy to just be like a spiritual baby, अगर आप एक बालक, आत्मिक बालक के रूप में रहने में खुश हैं, the Bible says in Galatians, तो बाइबल गलातियों में कहती है, इट सेज दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो अप स्पिरिचुअली, ये कहता है कि आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ेंगे. द सन्स आर हेयर्स, बट इफ दे डोंट ग्रो अप एंड रिमेन चाइल्डिश, दे विल जस्ट बी लाइक स्लेव्स. तो अगर जो बच्चे हैं, जो वारिस है, जो बालक है, अगर वो बड़ा नहीं होता है, वो केवल बच्चा ही रहता है, तो वो वारिस नहीं रहता, लेकिन गुलाम के बराबर का रहता है. दैट इज व्हाई वर्ल्ड वाइड दिस इज अ प्रॉब्लम इन द क्रिश्चियनडम. और इसीलिए देखा जाए तो मसीहत मोरे पूरे संसार में यही समस्या है. मेनी पीपल से आई प्रेड बट आई डिडंट गेट द आंसर, सो मे बी दिस Bible is not true. बहुत से लोग कहते हैं, मैंने तो प्रार्थना की, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो शायद ये बाइबल सही नहीं है. Many people say I fasted and I did this and I did that, but still things are not changing for me. बहुत से लोग कहते हैं, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी मेरे लिए कोई बदलाव नहीं है. But I want to tell you, मैं आपको ये बता, when you are in Christ, जब आप मसीह यीशु, when you are in Christ, जब आप यीशु मसीह में हैं, when you are in Christ, जब आप यीशु मसीह में हैं, then you are a new creation, तब आप नई सृष्टि हैं, then the old is gone, तब पुरानी बातें बीत गई, the new comes, तब नई बातें आती हैं. But the new will grow only when you feed your new nature with the word of God. लेकिन ये नई बातें तो तब बढ़ती जाएगी जब आप परमेश्वर में अपने नए स्वभाव को भोजन देते चले जाएंगे. The problem is many people don't realize that the new is come. बहुत सी समस्या यही है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि जो नई बातें हैं वो आ चुकी हैं. And they still keep on feeding the old nature. और वो पुराने स्वभाव को ही भोजन देते जाते हैं. That's why we have people in the churches who say the faith confession and who speak the songs and sing, but outside they will go and fight also. और इसीलिए देखा जाए तो ऐसे विश्वास के अंगीकार करने वाले लोग हैं जो गीत गाते हैं, अंगीकार करते हैं, लेकिन बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं. Who will even do, you know, do give, get great testimonies, who will give great witness for Jesus,
but then in the office they will be caught up in some wrong things. और वो तो यीशु के लिए बड़ी गवाही देते, बड़ी-बड़ी बातें करते, लेकिन ऑफिस में गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं. And then what happens is they have a question: if God is with me, why this happened and why that happened? और फिर उनके पास एक ही सवाल होता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ में तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? But I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. As there is a God, जैसे एक परमेश्वर, there is a real devil. एक सच्चा शैतान. He is all out to catch you back. वो तो आपको पकड़ने के लिए चाहता है. He is all out to once again get you in his hold. वो आपको फिर से अपने शिकंजे में कसना चाहता है. But if you want to live a victorious life, लेकिन अगर आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं, it's not just a victory, but to walk in victory. लेकिन ये तो ऐसा है केवल विजय नहीं, लेकिन आपको विजय में चलते जाना है. We have to keep obeying God. हमें परमेश्वर की आज्ञा मानते रहना है. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. It is an important time. ये महत्वपूर्ण समय है. God can give us His wisdom. परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि दे सकता है. He can give us His guidance. वो हमें अपना मार्गदर्शन दे सकता है. As we pray and look to Him. जैसे हम प्रार्थना करेंगे उसकी ओर देखेंगे. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Loving Heavenly Father. प्रेमी स्वर्गीय पिता. We thank you for your love. हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं. We thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं. That you are our substitute. कि तू हमारे बदले में है. You were crucified and you died for us. तू क्रूस पर चढ़ा और तू हमारे लिए मरा. You gave yourself for us. तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया. And you rose up from the dead. और तू मुर्दों में से जी उठा. And because of that we were justified. और उसके कारण हम धर्मी ठहराए गए. Through you we are washed. और तेरे द्वारा हम धोए गए. Through you we are redeemed by your blood. तेरे द्वारा तो हम तेरे लहू से धोए गए. Thank you for the forgiveness. क्षमा के लिए धन्यवाद. Thank you for the cleansing. शुद्धिकरण के लिए धन्यवाद. Thank you for the new life. नए जीवन के लिए धन्यवाद. Thank you for making us a new creation. हमें नई सृष्टि बनाने के लिए धन्यवाद. We pray for everyone, Lord. हम ये हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं. That you will take away all their problems. कि तू इन सारी समस्याओं को दूर कर दे. You will forgive all the sins, Lord. इनके सारे पापों को क्षमा कर दे. You will give them your peace and joy. प्रभु तू इन्हें अपनी शांति और आनंद दे. Today we pray for the good health, O Lord. आज वो अच्छी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना. We pray for anyone who is sick right now. हर एक व्यक्ति जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना. Every type of sickness and disease. हर एक तरह की बीमारी और हर एक रोग. We rebuke you and cast you out of their bodies in Jesus' name. हमें डांटने यीशु के नाम में भी इनके शरीर से निकाल देते. Father, we remember your word that by your stripes we are healed. पिता हम तेरे वचन को याद करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके. And we command the healing to flow. और हम आज्ञा देते हैं कि चंगाई बहती चले. Let your Holy Spirit touch everyone and fill them, Lord, as they are watching. तेरी पवित्र आत्मा निश्चय हर एक दर्शकों को भर दे, इन्हें भर दे प्रभु. Let your Holy Spirit's power come and let them be transformed in the name of Jesus. प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ जाए, इनके जीवन को यीशु के नाम में बदल दे. And we pray that your name will be glorified in their lives. प्रार्थना करते हैं कि तेरा नाम इनके जीवन में महिमा पाए. There'll be new people and changed. और प्रभु ये तो बिल्कुल बदल कर नए लोग हो जाएंगे. Live in the victory and be new creations as your word promises. प्रभु जैसे तेरे वचन की प्रतिज्ञा है वैसे ये नई सृष्टि के रूप में जीते जाएं. In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम. Amen. Amen. The Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. And prosper you. आपको संपन्न करें. May you have a great week. और आपका हफ्ता बहुत ही उत्तम. And live in the victory of God. और आप परमेश्वर के विजय में जीते जाएं. Amen. God bless you.